हाय गाइस, तो शूट डे टू, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी कि शूट डे पे क्या होता रहता है। तो हियर इज़ माय मेकअप आर्टिस्ट, सो यू आर वॉचिंग ग्लैम विद फैशन विद मी, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरा मेकअप बिल्कुल ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, ये मेरी आई लुक करी थी, शी इज़ अ वेरी 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 प्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, सो आई लाइक द वॉक कि वो किस तरीके से मेरे लिप्स ड्रॉ करती हैं एंड आईब्रो, जिनके आईब्रो नहीं होती ना वो उनके आईब्रो को बहुत अच्छा बना देती है। मेरा वहाँ से काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं वहाँ से फटाफट भाग गई क्योंकि मैं लेट हो गई थी। मतलब उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें 2:30 बजे तक ख़त्म कर दूँगी, बट काफ़ी उन्होंने तो ज़्यादा लेट कर दिया, 3 बजे का बोला था, 5 बजा दिया, 5 से ज़्यादा ही हो गया। मैं अपनी मेट्रो का वेट कर रही हूँ, मुझे घर जाके बहुत डांट पड़ने वाली है। मेरा फेस देख के तो समझ आ ही रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ ना, मतलब मेरे फेस पे 2 पिंपल भी हो गए हैं यार इतना मेकअप कर करके, बट क्या करें, करना तो पड़ता ही है। तो अब यार पानी पी के सही हो जाएगा, पर मेरे को पानी प्यासी नहीं लगती। अब तो मैं फिर मोमोज खाने आ गई, लक्ष्मी नगर के सबसे अच्छे मोमोज थे और बिना सूप के तो मोमोज कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकते, तो सूप इज मैंडेटरी। अब मैं फटाफट इसके बाद घर चली गई। फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ और सब कुछ चेंज करने वाली हूँ अब मुझे, क्योंकि इसके बाद जाना है अपनी दादी के घर, क्योंकि मेरे दादू आ गए हैं हमें लेने के लिए, तो हम इसके बाद जाएंगे अपनी दादी के घर। बहुत टायर्ड डे था क्योंकि 3 बजे उन्होंने बोला था वो मुझे छोड़ देंगी एंड मैं आई हूँ अप्रॉक्स 7:30 बजे तक, क्योंकि बहुत दूर था। सच में मैंने नहीं इतना नोटिस किया था यार कि द्वारका मोड़ इतना दूर है, सच में 1 घंटा लग गया, उससे ज़्यादा का ही लगा। बाकी मैं अब फ्रेश ना पाऊँगी, सो आपको ही अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक एंड शेयर करना। आपको सारी शूट्स की वीडियो मेरे इंस्टा आईडी पे मिल जाएगी, तो बाय गाइस, फॉलो करना मत भूलना, मेरी सिस्टर है ये, हम लोग जा रहे हैं।